रतलाम जिले के आलोट में बहुत चर्चित खाद लूटकांड मामले में शिकायतकर्ता ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश विपणन संघ के गोदाम संचालक भगत राम यद्दू ने सोमवार मंगलवार की रात को वेयर हाउस गोदाम के ऑफिस में ही फांसी लगा ली। इनकी शिकायत के बाद ही कांग्रेस विधायक को आरोपी बनाया गया था। भगत राम की पत्नी का कहना है कि वे शिकायत के बाद से ही परेशान चल रहे थे। 10 नवंबर 2022 को आलोट में गोदाम पर खाद की लूट हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट संचालक भगत राम यद्दू ने पुलिस थाने में की थी। पुलिस ने यद्दू की रिपोर्ट पर आलोट विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन सहित अन्य लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा, खाद लूट की घटनाओं में प्रकरण दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया था। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। कंपनी मालूम है। आपका क्या नाम है? मीना यद्दू। क्या हो गया था अचानक से, क्यों उन्होंने ऐसा कर लिया? क्या पता, पहले टेंशन था, यानी कि खाद गोदाम लूटवाए ना जी, जब से टेंशन थे वो। अच्छा, हाँ। कल कुछ कह के गए आपको यहाँ से? कुछ बोल के नहीं गए, कुछ नहीं बताए मेरे को, टेंशन रहते थे बस दिन रात। खाद लूट के संबंध में कोई बातचीत आपकी उनसे होती? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बताते? हाँ, बोलते थे ऐसे कैसे हो गया एकदम से, ये सर उन्होंने वो करवा दिए करके। हाँ, आपकी कल कब बात हुई थी उनसे? कल तो शाम आए थे जब बात हुआ था। कल कितने बजे गए? 5 बजे। फिर 5 बजे आए थे जी, कुछ सामान लाए जी, फिर चले गए थे लाइट वाइट चालू करना है करके शाम को। वो चौकीदार नहीं है, अभी छुट्टी में है जी, तो ये चले जाते थे, सुबह बंद करके आते थे। आपने कॉल वगैरह भी किया होगा रात में उनको, जब नहीं आए घर पे? की थी ना, फिर उठाए नहीं, कॉल नहीं उठाया? नहीं। मूल तो रहने वाले कहाँ के आप? छत्तीसगढ़ रायपुर। अभी आपके पुत्र वगैरह कहाँ पर है इस स्थिति में? वही रायपुर में। अच्छा, तो अभी रायपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज एक सूचना थाना आलोट में प्राप्त हुई थी कि जो भगत राम यद्दू जी हैं वो कल रात से घर पर नहीं लौटे हैं, और उनको जब धुलवाया गया, चेक कराया गया, तो ये समझ में आया कि जो गोडाउन है वहाँ पर वो एक जो है फांसी लगाने वाली अवस्था में पाए गए हैं। पूरे घटनाक्रम की हम लोग जांच कर रहे हैं, तत्काल FSL अधिकारी के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, SDM और SDOP दोनों ने जॉइंट रूप से उस स्थल का निरीक्षण भी किया है। जो घटनास्थल पर गोदाम को चारों तरफ से देखा गया तो वो अंदर से ही बंद था, तो पुलिस ने उसका दरवाज़ा तुड़वा कर उसके अंदर प्रवेश किया है, और किसी भी तरह का अपराध या उस तरह की ऐसी कोई चीज़ उसमें अभी तक नहीं देखी गई है। प्राइमा फेसी उसमें ये एक सुसाइड का मामला प्रतीत हो रहा है। उनके जो कपड़े हैं, आसपास जो गोदाम है उसमें भी चेक कराया गया कि कहीं कोई सुसाइड नोट हो, तो जो कि कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है। घर की भी तलाशी ली गई है, घर पर भी कोई सुसाइड नोट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसमें हम लोग सभी एंगल्स में जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने एक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ मामला उस तरह से भी देखा जा रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई पहलू अनछुआ नहीं रह जाए, सभी बिंदुओं पर बहुत गहनता से जांच की जा रही है। तो बड़ा पॉलिटिकल मामला है, तो क्या आपको लगता है, खबर यही है कि दबाव में थे, ऐसी बात हुई कुछ सामने, परिजनों से आपकी बात हुई किस पूरे मामले को लेकर? परिजनों से भी, पुलिस अधिकारियों ने भी और राजस्व अधिकारियों ने भी बात की है। इस तरह का कोई दबाव का जो मामला है, पहले भी कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है, अभी भी दबाव वाला कोई बात सामने नहीं आई है। साथ ही साथ जो पारिवारिक रूप से या जो इनका कार्यालय है उसके द्वारा भी इस तरह का, जो हम लोगों ने पता कराया है, अभी तक किसी दबाव की या किसी कोई धमकी की या फिर अन्य कोई पर्सनल या फिर कार्यालय से रिलेटेड किसी भी मैटर में कोई हाईलाइट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, तो कोई ना कोई बात अवश्य रही होगी, और इसका हम लोग पूरी गहराई से जांच करेंगे। उनकी पूरी कॉल डिटेल, अन्य भी जो उनके मूवमेंट हैं, कल वो किससे मिले, क्या बात हुई, कौन सा ऐसा घटनाक्रम या बात हुई जिससे वो इनके मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये कदम उठाया, ये इसकी पूरी गहनता से जांच की जा रही है। इसमें वर्तमान में जो प्रारंभिक कार्रवाई है थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है, और इसमें आज की जो बिंदु आएंगे शाम तक हम लोग उसमें डिसीजन लेंगे कि या तो फिर उसमें SDOP के माध्यम से जांच भी कराएंगे। पहले जो प्रथम दृष्टया सारी चीज़ें आज दिन भर के एनालिसिस में आएंगी, विवेचना में आएंगी, उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। लूट का जो मामला है, इसमें कुछ पत्रकारों को नोटिस दिए गए, कुछ एविडेंस को लेकर के उनसे मांगे गए? इसमें इनफैक्ट मेरा यही मानना है कि यदि उससे रिलेटेड अन्य कोई एविडेंस, कोई वीडियो फुटेज, अन्य कोई और भी चीज़ है जो पुराने वाले प्रकरण में यदि किसी के पास है, तो वो ज़रूर उसको मुहैया कराएं। इनफैक्ट जिनको जो वहाँ जिनकी उपस्थिति निकल कर आ रही है, उनको हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं कि यदि आप वहाँ उपस्थित थे और आपके पास वीडियो फुटेज कुछ इस तरह से हैं जिससे कि आरोपियों की पहचान हो सके, तो वो ले सकते हैं।